अभी यही सीन चल रहा है कि मैं जाके देखते एक बार, मतलब वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया यार कर लो, क्या जाता है तुम्हारा। तो आज का व्लॉग होने वाला है हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल हॉस्पिटल अस्पताल अस्पताल जा रही हूँ यार, क्योंकि ना 2-3 दिनों से मेरी आईज़ में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही है। शायद मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाने लग गई हूँ, पर ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले नहीं चलाती थी, बट अभी कुछ ज़्यादा ही होने लगी है पेन, तो जिसकी वजह से आई चेकअप करवाने जा रहे हैं। बात यह है कि मुझे पता नहीं है कि क्या रीज़न है, बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर वहाँ ये रीज़न फाइंड आउट हुआ, ये जो मेन रीज़न है कि मैं मोबाइल चलाती हूँ, तब तो सीन क्रिएट हो जाएगा, तब तो मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सीन क्रिएट होगा। बट मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा कुछ ना हो, बस कोई और रीज़न हो, मतलब कोई हल्का फुल्का सा रीज़न हो। और अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि कुछ टाइम से ना जैसे मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, और बहुत अच्छी नींद लेने के बाद, मतलब 9 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी मेरी आई स्वेलिंग हुई रहती है। और यहाँ ना ये जो नीचे वाली साइड है ना, ये हाँ ये आईलेट कहते हैं ना इसे, तो यहाँ पर पेन रहती है, ऐसे हल्की हल्की पेन रहती है, और आईज अपने आप ही बंद होती रहती हैं। तो रीज़न तो पहले तो मुझे यही लगा कि मैं मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मेरा चल रहा था, तो उसे भी थोड़ा लिमिट में करूँगी अब। क्या मतलब प्रॉब्लम्स जब आ जाती है ना सामने, तब हमें सोल्यूशंस मिलते हैं, उससे पहले हमें पता ही नहीं होता कि सोल्यूशंस क्या है, या हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो अभी यही सीन चल रहा है कि मैं जाके देखते एक बार, मतलब डॉक्टर से भी चेक करवाए आती हूँ, उसके बाद तो फिर अपने ऊपर अब आइस पे ध्यान दिया जाएगा, और देखते हैं कि थोड़ा डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा। पर उससे पहले तो मेन यही है कि चेकअप करवाने के बाद ही कोई मेन उस पे पहुँचते हैं, रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि सीन क्या है, चल क्या रहा है, कोई और तो इशू नहीं है। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल, ऐसे आईज हॉस्पिटल। आईज का जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने वॉक करना ही ठीक समझा मैं, कि चलो इसी बारे में थोड़ी सैर हो जाएगी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आज ये बंद है, और ना मैं तो वैसे ही घर पे छुट्टियाँ बिताने आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि आज गुरुपर्व है। तो मैंने यहाँ पर जो मतलब इतनी तैयारी देखकर फिर मुझे लग ही गया यार कि आज तो सीन गड़बड़ हो गया। पर अच्छा ये हुआ कि मैं गुरुद्वारे जा आई, और गुरुद्वारे से आज मुझे एक लड्डू और हलवा प्रसाद के रूप में मिला था। हलवा तो मैंने उसी टाइम खा लिया था, और लड्डू मैंने घर ले जाना था क्योंकि मम्मा घर पे ही थे, तो प्रसाद उन्हें भी देना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुद्वारे तो मैं आई थी, तो मंदिर भी हो आती हूँ, तो मंदिर गई। मंदिर से भी मुझे 2 लड्डू और बताशु का प्रसाद मिला, और मम्मी को सरप्राइज देने के लिए मैं नान भी ले आई थी। हॉस्पिटल्स बंद थे, प्रसाद गिरा दिया मैंने। मुझे याद ही नहीं कि आज गुरुपुरब था और हॉस्पिटल्स बंद हैं, यहाँ के तो बंद हैं। तो गुरुद्वारे जाकर और मंदिर जाकर प्रसाद खाकर मैं आ गई हूँ, मंदिर से तो मैं प्रसाद लेकर आ गई हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज नहीं है, और पता नहीं क्या ही इशू इस टाइम मेरे मोबाइल को भी चल रहा है कि अपलोड ही नहीं हो रही हैं वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।